मैं कॉर्डिलियन पब्लिकेशन से बोला था। जनरली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार शादी कब होगी, शादी कब होगी ना, बहुत सारे क्वेरीज आती है कि तो उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो हम एक सिंपल दो तरीके ज्योतिष में, बस दो तरीके जिससे अपन शादी मालूम कर सकते हैं। एक तो हाथ से मालूम कर सकते हैं, कुंडली से मालूम कर सकते हैं। कुंडली में क्या प्रॉब्लम आती है कि यदि आपका टाइम मिसमैच करता है तो कुंडली मैच नहीं करती है, तो कुंडली मैच नहीं करेगी तो फिर एक तकलीफ होती है कि मालूम करने में कि कौन से घर कहाँ बैठे, नहीं जहाँ से भी पोजिशन इधर से उधर होती है तो अपन मालूम करना बहुत मुश्किल होता है कि शादी कब होगी। यदि कुंडली सही होती है तो भी मालूम कर सकते हैं कि है ना आपकी शादी कब होगी। तो दो तरीके, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जैसे आप हमारे को भी देते हैं तो आपका हाथ बॉय होगा तो राइट हैंड के इंप्रेशन दीजिएगा और गर्ल होगी तो लेफ्ट हैंड का साइड का फोटो दीजिएगा, लीजिए फिंगर के नीचे का, और टाइम कुंडली का टाइम वगैरह भी देने का, तो फिर हम बताते हैं। हाँ ये पेड सर्विस रहती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फ्री में होगा, तो ये फ्री सर्विस नहीं है, उनको बहुत मेहनत लगती है उसको ढूंढने के लिए। तो हम आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं तो उसका पेमेंट लेते हैं, ठीक है? कोई हो पेड तो ही कॉल करें। तो दो ही तरीके, एक तो फिर कुंडली से मालूम चलता है कि कुंडली में आप बहुत सारे ग्रह कहाँ बैठे हैं, कहाँ उसकी दृष्टि कहाँ है, उसकी दशा क्या, अंतर्दशा क्या, कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं ना, उसके हिसाब से अपन मालूम कर सकते हैं। उससे भी एक्यूरेसी से मालूम चलता रहेगा। फिर दूसरा तरीका क्या है कि यह 100% भी श्योर रहता है ना, आप कुंडली मैच करते तो कोई भी बता सकता है ज्योतिष कि है ना आपकी शादी कब होगी, उसमें 100% श्योरिटी होती है, ठीक है? ये दूसरी 100% श्योरिटी यहाँ पर आती है, अपन हाथ हाथ की रेखाओं से मालूम कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो ये 200% हो जाता है, दोनों को मिक्स करके अपन 200% एक्यूरेसी बता देते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप सही समय पर शादी करेंगे तो ही फायदा होता है ना। सपोज करो आपकी योग 27 में है, आप 21 साल में, आपके सपोज करो योग किसी पंडित ने बताया 21 साल, 27 साल में, 32 साल में, तो आप 21 साल से मेहनत करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, 27 में भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 30 में करेंगे तो भी नहीं होगा। जब 31 से चालू कीजिएगा तो फिर 32 में आपकी शादी के योग होंगे तब आएंगे, तो ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। दूसरा कैसा होता है कि यार जब शादी के योग होते हैं, अब देखेंगे कि सपोज को शादी के योग है, एग्जाम्पल लीजिए ये जैसे कर्ज होगा, तो शादी के योग सपोज को इस टाइम पे रहेगा, ये टाइम पे रहेगा, तो यहाँ पर आपको 100, यहाँ पर इतने 100 प्रपोजल आते हैं, और फिर सपोज को ये योग निकल जाता है तो फिर ये ऐसा कम होते जाता है, इस टाइप से कम होते जाता है, दिख रहा है आपको, ये इस टाइप से कर्व हो जाता है, बहुत कम, ये इस टाइप से कर्व हो जाता है ना। इसमें आपको उस टाइम पे प्रपोजल बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छे प्रपोजल्स भी आते हैं, शादी के लायक प्रपोजल्स आते हैं, तो उस टाइम पे आपको गौर करने का, और ये ऐसे प्रपोजल नीचे नीचे होते जाते हैं ना, बहुत कम होते जाते हैं, आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि यार लोगों को 40-45 के बाद भी ऑफर आते रहते हैं, वो तो कंटिन्यू ऑफर रहते हैं, कोई ना कोई तो भेजते ही है, लेकिन वो राइट होता है नहीं रहता वो गलत बात है। लेकिन जिस टाइम पर अपना ये इस टाइम पर अपना योग बहुत है उस टाइम पर ट्राई करने का, बाकी ट्राई नहीं करना है, कभी ज्योतिष से पूछ के पूछ लेने का, उसी टाइम पे शादी होती है नहीं तो नहीं होती है, यहाँ 100% श्योर है इसको। ऐसा नहीं होता कि 32 में शादी है और आपका 24 में हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए जो लोगों को शादी देखे इसका योग कब है, उसी टाइम पे ट्राई करने का, फालतू फ्रस्ट्रेशन होता है आदमी को कि यार आप अपन प्रपोजल्स देखते हैं, वो रिजेक्ट करता है, अपन रिजेक्ट करते हैं, वो पसंद आता है अपने को, वो पसंद आता है तो वो रिजेक्ट कर देता, किसी को अपन पसंद आता है अपन रिजेक्ट कर देते, फालतू का टाइम पास करने से कभी मतलब नहीं होता, दूसरी तरफ ध्यान देने का, अपना वैल्यू एडिशन करने का, नौकरी हो गया तो नौकरी करने का, या कोई बिजनेस हो तो बिजनेस करने का, फालतू टाइम खोटी नहीं करने का। लेकिन जब भी प्रपोजल हो सपोज को उस टाइम पे 32 में हो, 24 में हो, 27 में हो, उस टाइम पे पूरा फ्लेज में जो भी लड़की या लड़का उस टाइम पे ज़्यादा कोशिश करने का तो शादी कर लेने का। कभी वो एज निकल गई हो आपके पास, सपोज को एक ही लाइन है, अभी मैं आपको बताऊंगा, कभी एक ही लाइन हो आपने उस टाइम पर खो दिया, एक साल का जो भी गैप होता है, एक साल 2 साल होता है, वो खो दिया तो आपकी शादी कभी नहीं होगी, कभी एक ही लाइन होगी तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसलिए उस टाइम पर बिल्कुल प्रिकॉशन रखने का, उसी टाइम पर शादी के लिए ट्राई करने का, प्रिकॉशन भी उसी टाइम पर रखने का, नहीं तो शादी नहीं होती, यह 100% है। आप दिल्ली में रह सकते हैं या कोई और हो सकता है कि शादी नहीं होती, लीगल बोले तो ऑफिशियल शादी नहीं होती। अभी देखिए, अभी मैं आपको जैसे बताया था किसी के, ये देखिए ये सपोज को ये राइट हैंड मैंने लिया हुआ है किसी बॉय का, गर्ल होगी तो लेफ्ट हैंड देखने का, ये एक लाइफ लाइन होती है जनरली, कभी
कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है लाइफ का, नहीं होती, हर एक का हाथ अलग अलग होता, तो कम जैसे भी रफली बता रहा हूँ मैं। और ये माइंड की लाइन होती है, तो ये हार्ट लाइन होती है, लिटिल फिंगर या छोटी उंगली होती है उसके नीचे की, ये लाइन होती है हार्ट लाइन होती है। अभी अपने को शादी का देखने का रहता है, तो यहाँ से देखते हैं ये उंगली के नीचे और ये हार्ट लाइन के ऊपर कितनी लाइन आएगी, इसी से शादी मालूम चलती है, बाकी कोई और तरीका नहीं है। चंद्र, किसी और को कुछ मालूम हो, किसी के पास साइकिक पावर होती तो बगैर हाथ देखे भी बता सकता, लेकिन जनरली ये एक तरीका है। अब यहाँ से देखेंगे ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों के बीच में लाइन देखेंगे आप। अभी सपोज को लाइन यहाँ पर आती है, सपोज को इस एज में आती है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए यहाँ से थोड़ी सी ऊपर आएगी, तो ये करीब करीब 22-24 के आसपास की एज बताता है, ठीक है। थोड़ा सा और लेट गया, ये एग्जाम्पल लीजिए, ये मैं लिटिल फिंगर का ये एरिया और ये सपोज को ये हार्ट लाइन रहता दिखा के, और ये लिटिल फिंगर का सपोज को यहाँ पर आता है, सपोज कोई इस टाइम पे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अब आपके हिसाब से हाथ देखिए, इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या है कि हाथ किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी की लाइफ लाइन कम होगी, तो वो आपका अंदाज लगाने का, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाथ किसी का हाथ इतना सा भी होता है, इतनी सी लाइन रहेगी, हाथ इतना है, किसी का हाथ इतना लंबा भी रहता है, तो वो आपको अंदाज लगाने का, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अंदाज आप ही को लगाना पड़ेगा। अभी ये देखिए सपोज को ये मान लीजिए कि ये हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर हुई, तो ये 17-18 के आसपास उसकी शादी होंगी। अभी यार 17-18 के से आप मानेंगे, जब किसी किसी गांव में पहले गोना कर देते, शादी कर देते, फिर बाद में गोना करते, तो वो गोना होगा इस टाइम पर होगा, ठीक है। किसी किसी गांव में बहुत जल्दी शादी हो जाती है, तो गांव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 17-18 में होगा। दूसरा ये सब उसको यहाँ के आसपास आती है, तो थोड़ा सा ऊपर आता है, तो 22-24 के आसपास होती है शादी, इसके यहाँ पर आती है तो 26-27 के आसपास आती है, ठीक है। इसके ऊपर आती है तो 33 के आसपास शादी थे, 32-33 के आसपास, इसके ऊपर हुई तो 40-45 के आसपास रहते, 44-44 के आसपास शादी रहती है, इसके आगे नहीं तो 50-60 के आसपास होती है। और कुछ कुछ लोगों की जैसे आप बाहर के देश में जाएंगे तो 70 के आसपास भी शादी होती है, तो वो उसके ऊपर भी इस टाइप से शादी ही होती है। तो इसका आप ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए ये ऐसा होता है, जैसे इसमें ये देखिए ये 25 मान लीजिए, 25 से 30 मान लीजिए, ये बाद में ये कम कम होते जाते हैं ना, 70 तक जाता है, तो इसी को आप अंदाज लीजिएगा कि ये 70 तक जाएगा। भी आप आपके अंदाज से देखिएगा कि आपके ये लाइन कब आएगी। फिर दूसरा एक चीज़ होती है कि यार किसी की लाइन इतनी सी है, ये इतनी सी है, ऐसी लाइन इतनी सी है यार, बहुत पतली लाइन है ये, ऐसे बहुत पतली लाइन है, बहुत ही पतली है ना, इतना बाल है ना, सर के बाल होते हैं, इतनी पतली लाइन है, वो लाइन दिखती है तो वो उसमें कोई शादी के योग नहीं है, क्लियर कट बोलते हैं, इसमें कोई शादी का योग नहीं होता है, बाल इतना पतली सी लाइन होगी तो शादी का योग नहीं, सपोज कोई शादी कोई लाइन इतनी सी होगी, ये इतनी सी लाइन, ये देखा है आपको, इतनी सी लाइन होगी, ये छोटी सी लाइन, इतनी सी लाइन बोले तो भी शादी का योग नहीं है, ठीक है। अभी सपोज को कोई कोई बोलेगा यार मेरी 3-4 लाइन आएगी, तो इसका क्या मतलब है, इसका प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है, 4-4 लाइन है तो हो सकता है उसकी शादी होने वाली होगी तो टूट जाएगी, फिर दूसरी शादी होगी तो यह नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है, फिर उसकी शादी हो सकती टूट जाएगी, होते होते रुक जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी टूट जाएगी और फिर होगी, ठीक है। तो ये भी दिखाता है कि आपकी शादी, उसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। उसका अफेक्शन भी है, ये लाइन कभी कभी अफेक्शन को भी दिखाती है, अफेक्शन मतलब तो क्या कि यार तो कोई अफेक्शन वगैरह हुआ होगा या कोई रिलेशनशिप वगैरह हुई होगी, तो ये भी लाइन रिलेशनशिप को भी दिखाती है कि यार रिलेशनशिप है, तो अपने को देखना पड़ता है ये रिलेशनशिप है या नहीं है, तो ये होता है सब उसको कभी कभी। जैसे मेरा कस्टमर एक, उनका यहाँ पर एक हाथ, मेरी गर्ल है कस्टमर थी, उसका हाथ यहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी, उसका 28 के आसपास योग आया हुआ था, जैसे एग्जाम्पल लीजिए 28 से योग चालू हुआ था, उस टाइम पे उसने बहुत कोशिश किया, किया शादी हो गया हो जाए, मन किसी और रीजन से उसकी शादी नहीं हो पाई, ठीक है। तो उसका एक 42-43 के आसपास यहाँ पर एक लाइन है, लेकिन छोटी लाइन है, छोटी लाइन का मतलब क्या किया, उसके पास बहुत कम चांस देंगे, उसका एक्सपांशन 1 साल का ही होगा, उस टाइम में उसने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद कभी शादी नहीं होगी, तो किसी किसी को चांस मिलता है दूसरे शादी करने का, किसी को कभी कभी लाइन ही नहीं होती है, तो यह देखिएगा कि लाइन वगैरह है कि नहीं।
अभी ये इसमें रिलेशनशिप भी दिखाता है कि ये रिलेशनशिप वगैरह है कि नहीं, सपोज करो दो लाइन है तो आप दो मैरिज भी दिखाता है कि एक का डिवोर्स हो गया हो जाएगा फिर दूसरी शादी होगी, तो तीन चार लाइन में ये भी होता है कि यार सपोज करो दो लाइन बहुत पास पास में है, एग्जाम्पल लीजिए एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी है बहुत ही पास पास में है, ये देखिएगा ये ऐसा लगता है बहुत पास में है लेकिन 5 से 7 साल का गैप आ जाता है, 5 से 7 साल का, क्योंकि वो लाइन शादी होगी एक दो साल चलेगी डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने में भी आजकल 2 4 5 साल लगते हैं, सेटलमेंट होने में 2 3 साल तो लगते ही है, वो 3 साल के बाद कहीं मार्केट में जाएगा और फिर प्रपोजल वगैरह देखेंगे तो उसको भी 1 2 साल लगते ही है, तो मान के चलिए ये इतना सा गैप भी हुआ, अब देख रहे हैं इधर इधर इतना सा गैप भी हुआ तो भी वो 5 6 7 7 8 साल को दिखा देता है, यार 3 4 साल कम से कम तो होंगे बहुत पास पास में होगा, तो फिर दो मैरिज को भी दिखाता है डिवोर्स भी होगा, इसलिए इसको डिवोर्स भी मान सकते हैं, रिलेशनशिप भी मान सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मान सकते हैं, ये दूसरा लाइन होगी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखा सकता है, ये एक है तो इसमें दूसरा मैरिज को भी दिखाता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि यार उसकी भी शादी करने के तो देखने का यार उसकी एक ही लाइन होता है सबसे अच्छा, वो बहुत लंबी होनी चाहिए, बहुत लंबी बोले तो यहाँ से स्टार्ट होती है इसके पीछे से स्टार्ट होकर बहुत लंबी लाइन होगी और एक लाइन होगी, उस आदमी से शादी करे या औरत से शादी करे तो ज़्यादा अच्छा रहता, और ज़्यादा लाइन नहीं होना चाहिए, लाइन बनती भी करती रहती है कुछ कुछ लाइन्स लेकिन मेन लाइन सेम रहती है, तो जितनी लंबी लाइन होगी उससे शादी करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी, उसमें क्रॉसेस वगैरह नहीं होने चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है और लाइन सीधी होनी चाहिए। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही उसी के बारे में अभी कुछ बताने वाले हैं, अभी नया वीडियो हम बताएंगे कि मेष राशि वाले को किससे शादी करनी चाहिए, वो भी आने वाला है, वो बेल आइकन को क्लिक कीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उसमें, धन्यवाद मैं वीडियो देखने के लिए, मेरा नीचे ईमेल आईडी लिखा हुआ है उस पर आपको चाहिए तो इंक्वायरी कर सकते हैं, थैंक यू।